दोस्तों, मैं आज पहला प्रोडक्ट दिखा रहा हूं जो कि सामने आपके हैं, वो फसल है गेहूं का। गेहूं जो है किसान कैसे करके पैदा करते हैं और कितनी मेहनत करके वो गेहूं पैदा करके बाजार तक देते हैं और हम लोग बाजार से घर तक लेके आते हैं। किसानों को बहुत मेहनत करना पड़ता है गेहूं को बचाने के लिए, क्योंकि जानवर भी बहुत हैं खेतों में, वो दिन में भी मेहनत करते हैं और रात भर खेतों में जागते हैं, तब चार महीने की खेती पूरा करते तब गेहूं पैदा होता है। यही है किसान की मेहनत, जो कि आज हम गोंडा से लाए हैं और प्यागपुर बहराइच जिले से भी आया हुआ है। इसमें बाली तो बहुत ज़्यादा है, कम से कम 18 लोगों का बाली और भी ज़्यादा था, उतना ला नहीं पाए हैं, जो कि एक साथ में दो दो लोगों की बाली है। एक एक बाली की मिनिमम जो दाने की संख्या होगी वो 68 और 70 के बीच से शुरुआती है और लास्ट तक 101 दाने तक की इसमें बाली गई हुई है। अगर किसान इसमें कुछ तो रासायनिक खेतों में डाला जाता है, ना डालेंगे तो वो पूरा नहीं होगा। जैसे कि यूरिया जो किसान पहले डालते थे, एक बीघे में 10 केजी, जहां एप्लाम एग्रो पावर गोल्ड पड़ता है वहां एक बीघे में 5 केजी यूरिया दी जाती है। अगर एप्लाम एग्रो पावर गोल्ड नहीं मिलाते हैं तो किसान को कम से कम 3-4 बार जो है उसको यूरिया मिलाना पड़ता है बीघे के हिसाब से 10-10 केजी। और जब एप्लाम एग्रो पावर गोल्ड का होता है मात्र 2 बार यूरिया 5-5 केजी करके मिलाया जाता है, उसके बाद यूरिया की कोई जरूरत नहीं। केवल आप एग्रो पावर गोल्ड एक बीघे में 2 ढक्कन, एप्लाम एग्रो पावर गोल्ड के 2 ढक्कन यानी कि 25 ml को 15 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करें। ये स्प्रे करने की जो पद्धति है 10 से 12 दिन के अंदर, हाँ एक ध्यान ये रखें किसान जो है कि 10 से 12 यदि 12 दिन में दे रहे हैं तो 12 दिन में दोबारा करें, 3 बार तीसरे बार में भी 12 दिन पे दें। ये तो ऐसे करके गेहूं में हो गया। उसके बाद जब धान की सीजन आती है, धान को भिगोना पड़ता है, जिस दिन वो नर्सरी लगाना होगा धान को भिगोना पड़ता है। तो धान को जब भिगोएंगे 10 केजी बीए में वो आपका जो है 2 ढक्कन एप्लाम एग्रो पावर गोल्ड रहेगा, उसको भिगो देंगे। दूसरे दिन जब निकालेंगे वो जो पानी बचेगी उसको फेंकेंगे नहीं, वो जहाँ नर्सरी बैठाएंगे वहाँ पे पानी डाल देंगे। 2 ढक्कन बहुत अच्छी, 1 ढक्कन में भी बहुत बढ़िया पावर होती है एग्रो पावर गोल्ड में, क्योंकि जब नर्सरी लगाई जाती है छोटे से एरिया में लगाई जाती है। अब वहाँ पे नर्सरी लगा दिए, दूसरे दिन जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा थोड़ा करीब 6 इंची तक हो जाए तो उसमें 1 ढक्कन कम से कम 5-6 लीटर पानी डाल के स्प्रे कर दें। 1 हफ्ते 10 दिन के बाद फिर उसमें स्प्रे कर दें। उसका पौधा इतना बढ़िया, इतना लचीला, इतना डार्क, इतना काला होगा, चौड़े चौड़े पत्ते होंगे। अगर कंपटीशन करना हो ना किसी से तो किया जा सकता है एकदम धड़ल्ले से। करे कंपटीशन, किससे कंपटीशन करेंगे? इंडिया का सबसे बड़ा, जो कि सबसे पहले यूरिया खाद लेके आया था, इफको, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, उससे बड़ा है। एप्लाम अगर आ गया तो यूरिया फेल हो जाएगी। आज यूरिया में नैनो खाद जो है जिसकी 1 लीटर की कीमत 250 रुपये है, आज 90 रुपये में प्यागपुर में दुकानदार बेच रहा है, भैया बोतल ले लो मेरी खत्म हो जाए, नैनो बिक नहीं रही है बाजार में। दुकानदार के पास ये एप्लाम एग्रो पावर गोल्ड को दिए हैं, नाम है एग्रो पावर गोल्ड, वास्तव में पावर है। गमले में देना है गमले में दीजिए, जैसे गमले में फूल बोए हैं, या बहुत सारे भाई कोई लौकी जैसे सर भी हमारे खेती किए हुए अपने घर पे छत पे, उस पर क्या करें, इस पर ध्यान दीजिएगा कि खाद कौन सी कैसे डालें। ऑर्गेनिक खाद सबसे अच्छी खाद अगर होती है तो गोबर की खाद होती है। गोबर की खाद में क्या, कच्चा गोबर की खाद अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है कोई बात नहीं है, बाजार में कंडा मिलता है या गाँव में कंडा मिलता है। 5 कंडा ले लीजिए, 1 बाल्टी पानी में कंडे को तोड़ के डाल दीजिए, उसके दूसरे दिन कंडे को निकाल लीजिए, जो पानी रहेगा उस पानी को आप अलग बर्तन में ले लीजिए, उसमें 250 ml में प्रति लीटर पानी डालिए और उसमें आप जड़ों में स्प्रे कीजिए
और जो आपके कंडे रहेंगे वो पानी जब सूख जाए उसको तोड़ लीजिए। तोड़ के उसमें एक कटोरी दही, एक कटोरी गुड़ का पानी और थोड़ा सा बालू मिला दीजिए, एकदम भुरभुरा करके मिला दीजिए। उसको छाया में सुखवाइए, उसके बाद आप गमले में डालिए। गमले की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, पौधे बहुत अच्छे रहेंगे। अगर कोई भी सब्जी बोए हैं, फूल बोए हैं, बहुत ही खूबसूरत होगी। ऐसे ही करके हमारे अगर तिलहन की बात करते हैं, सरसों अगर हम बुआई करते हैं तो हमारे वहाँ पे सरसों और रिफाइन, जो रिफाइन होता है, सर तो रिफाइन देख के आए हुए हैं, तो रिफाइन तेल की भी तेल भी होता है। मूली के बीए कितने बड़े बड़े होते हैं, पीला सरसों, काला सरसों, रिफाइन, ये सब गेहूं के सीजन में ही बोई जाती है। इसमें भी यही पद्धति है, 15 लीटर पानी, दो ढक्कन एग्रो पावर गोल्ड, 10 से 12 दिन के अंतर में। आगे जैसे कि सब्जी की बात आ जाती है, सब्जी में दो ढक्कन 15 लीटर पानी, मगर वीकली छिड़काव होगा सब्जियों में, क्योंकि सब्जी लगातार तोड़ी जाती है। और इसे लगातार तोड़ी नहीं जाती क्योंकि सब्जी को चाहिए प्रोटीन, तो प्रोटीन हमको कौन देगा? एग्रो पावर गोल्ड देगा। तो यही हमको हर सप्ते जो है कि सब्जियों में डालना है। सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, अगर आप भिंडी का पेड़ बोए हैं, मैं किसानों से चैलेंज किया था, किसानों ने किया, वो कहते हैं साहब मैं 3 दिन में भिंडी तोड़ता हूँ। हम इस कहे कि इसको 3 बार डाल दो, रोज भिंडी तोड़ोगे, 1 दिन लेट करोगे, इतनी बड़ी बड़ी भिंडी हो जाएगी। भिंडी कम से कम 8 इंची तक हो जाती है, मगर वो कड़ी नहीं होती, स्वाद बहुत अच्छी रहती है इससे। और भिंडी हो चाहे लौकी हो, आप देखिएगा भिंडी में वो भिंडी अच्छा लगता है जिस भिंडी के ऊपर रोइयाँ दिखाई देता है, लौकी में देखिए रोएँ दिखाई देते हैं। अगर लौकी में रोएँ नहीं है तो भिंडी आपको सही नहीं मिलेगी, ना लौकी सही मिलेगी, ना भिंडी, ना तरोई। और जब ये पड़ जाता है उसकी स्वाद ही बदल जाती है। प्याज की खेती में मैंने प्रयागपुर में, हमारे बड़े साले साहब आए नहीं हैं, अब उनको जो मैं शुरुआती करवाया था प्याज की खेती से शुरू करवाए थे कोरोना काल में, तो मैंने जब उनको कहा कि प्याज की कोई खेती मिल जाए, वो खाली एक बोतल एग्रो पावर दे दो, हमको बुलाए गए, डलवा दिए, इतने बड़े बड़े प्याज, 2 महीने में लोग देखने लगे कि ये है क्या चीज़, है क्या चीज़। देखते देखते आज किशोर जी का तो अच्छा वहाँ पे चल ही रहा है कार्यक्रम, अभी 200 आम का पेड़ जो है उसमें किसान आया हुआ है, मशीन से वो छिड़काव करेगा। एक टंकी में 10 बोतल एप्लॉम एग्रो पावर गोल्ड रहेगा, 10 बोतल, ये जो बोतल है 10 बोतल, 2000 लीटर पानी, क्योंकि आम के पेड़ बड़े होते हैं वो प्रेशर से उसकी छिड़काव होती है। 2000 लीटर पानी में 10 बोतल एप्लॉम एग्रो पावर गोल्ड, और साथ में जो कीटनाशक उनको ज़रूरत पड़ेगी वो बाज़ार से अपना लेंगे, 15 ml करके वो कीटनाशक देंगे उसमें, अब वो स्प्रे होगा। इतनी बढ़िया उनका आम हुआ है, वो किसान बता रहा है कि हवा से एक भी आम मेरा गिरता नहीं है। और जिनकी आम की खेती है या आम बोए हुए हैं, उनको तो पहली सलाह है कि दिसंबर महीने से एप्लॉम एग्रो पावर गोल्ड ही केवल छिड़काव करें, कीटनाशक की कोई ज़रूरत नहीं। इतना बौर आएगी, देखने लायक बौर हो जाएगा, उतना ही फल आ जाएगी। इसके बाद है मक्के की खेती में क्या करें, सबसे पहले तो बीज को जो है हम शोध कर लें, मक्का धान गेहूँ ये जो भी होगा सबको बीज को शोध करें। अगर शोध करके बोएंगे तो एक भी बीज मेरा खराब नहीं होगा। मक्के में शुरुआती जो है, जैसे कि 1 बीघे में 2 किलो बीज डालते हैं, ये एक ढक्कन लिया, आधा गिलास पानी छिड़काव किए, उसके बाद उसको शोध करके आधे घंटे के बाद उसकी बुआई कर दी। इसमें ये होता है कि एक भी बीज खराब नहीं होती। जब पौधा करीब 8 से 10 इंची हो जाए तब एप्लॉम एग्रो पावर गोल्ड, कीटनाशक की जरूरत नहीं है उस वक्त, कीट एग्रो पावर गोल्ड 15 लीटर पानी 2 ढक्कन में स्प्रे कर दें। ये प्रक्रिया 10 से 12 दिन के अंतर में करते रहें। हाँ, ये याद रहे कि अगर 12 दिन पे कर रहे हैं तो उसको 12 दिन में ही करें, 11 दिन ना करें, ना 13 दिन करें, ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि YouTube में आप देखेंगे एग्रो पावर गोल्ड में 2 बीघे में
5 कुंटल 40 किलो परवल की डेवलपमेंट दी गई है, वो रिकॉर्डिंग है उस पर। पयागपुर के किशोर कुमार सरकार जी के चाचा जी हैं, वो प्रत्येक सप्ताह जो कि 5 कुंटल 40 किलो परवल और खेक्सी तोड़ते हैं। ऐसे गोंडा में भी है, गोंडा में किसान जो है सब्जी, अभी किसान मेला करवाए थे तो सर को खिलाया गया पनीर वगैरह कुछ नहीं, केवल जो खेतों में पैदा हुआ है कि एग्रो पावर गोल्ड से वही सब्जी खिलाना है। आलू की वजन कहाँ गए सर, फोटो खींच रहे थे यहाँ पे, आलू की वजन कम से कम 1 किलो, 1 किलो 100 ग्राम, 1.25 किलो तक का। चुकंदर की क्या साइज थी? जब किसान बिक्री करते हैं बाजार में ना, तो हम जाते हैं गोंडा में, रानी बाजार सबसे बड़ी बाजार है, वहाँ पे सब्जी किसान बेचते हैं, मैं जाता हूँ वहां से बात करता हूँ, 10-20-50 रुपए खाली चाय पीने में उड़ा देते हैं। और गोभी की रेट सुनते हैं 50 रुपए का एक गोभी, इतनी अच्छी गोभी। उस गोभी में खासियत क्या है इस एग्रो पावर गोल्ड पढ़ने पर? सबसे बड़ी बात तो ये होती है, जैसे गोभी देखते होंगे कि अंदर की डंडी बहुत लंबी लंबी होती है, इसको ये पढ़ने पर लंबी नहीं होगी। गोभी जब बड़ी हो जाती है तो अंदर गोभी के खोखलू हो जाती है, इसमें वो चीज़ नहीं होती है। लौकी में देखिएगा कि अंदर लालिमा आ जाती है, इसमें होने से लालिमा नहीं आएगी, वो ग्रोथ करेगा, पूरा ग्रोथ करेगा अपना। अब शलजम जो है 4 महीना जमीन से निकला हुआ बोरे में रखा हुआ था, किसान बेच रहा था 20 रुपये किलो। मैंने उससे कहा कि इसको छोड़ो, 20 रुपये में मत बेचो, क्या फ़ायदा है, कुछ दिन बाद बेचना। 4 महीने के बाद बेचा 80 रुपये किलो। उसने कहा फ़ायदा है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 80 रुपये किलो बेचो। मुझे खुशी होती है कि भाई आज इसकी दाम 168 हो गई है, पहले इसकी 149 थी, तो 140 रुपये में मैं किसानों को देता रहा, आज मैं 160 रुपये में प्रत्येक किसान को देता हूँ। मैं सुबह 10 बजे निकलूँ, 11 बजे निकलते हैं, शाम को 7 बजे तक लौटते हैं, जब मीटिंग पड़ती है तो बाइक में ही बैठे बैठे मीटिंग अटेंड करते हैं। भाई काम को छोड़ना नहीं है, मीटिंग भी छोड़ना नहीं है, मगर ये जो एग्रो पावर गोल्ड वास्तव में बहुत ही कामगर है। अभी मैंने गन्ने की खेती करवाई है, कम से कम 200 बीघा से ऊपर जो होगा, करीब 7-8 किसान हैं उसमें, 200 बीघा से ज़्यादा होगा। तो गन्ने में उनको मैंने सलाह ये दिया कि आप गन्ने को टुकड़े कर लें। गन्ने में जो है एक लालिमा होती है, वो एक कैंसर की बीमारी है। वो लालिमा जो है क्या होता है, वो ग्रोथ नहीं करता है, वो अंदर रह रह के वो सड़ जाते हैं, उसकी जो पंछा निकलती है सामने आगे वाले गन्ने के टुकड़े को पकड़ लेता है। किसान गलती क्या करता है, वो कहता है नहीं समय बचेगा, मेरा मेहनत बचेगा। गन्ने को बोना कैसे चाहिए, जैसे कि एक गन्ने की गल्ले इतने बड़े हैं, और गन्ने के बीच में जो गल्ले होते हैं ना, ये यहाँ से कल्ले निकलते हैं, अखुआ यहीं से निकलता है भाई, थोड़ा उस अखुआ से 1 इंची ऊपर 1 इंची नीचे, इतने बड़े बड़े टुकड़े, 3 इंची से ज़्यादा टुकड़ा न करें। और करने के बाद उसको एग्रो पावर गोल्ड 20 लीटर पानी में 2 ढक्कन यानी कि 25 ml, ये बोतल के ढक्कन खोलिए जरा, इस बोतल के ढक्कन से 2 ढक्कन एग्रो पावर गोल्ड उस 20 लीटर पानी में डाल देंगे, और डालने के बाद गन्ने के टुकड़े को सब उसमें डाल दें, भिगो दें, भिगो के बाहर निकाल दें, पानी सूख जाए। एक रासायनिक में दवा आती है कार्बंडा जिम, अगर उसको उसमें मिला देते हैं तो गन्ना कभी सूखेगा नहीं। एप्लाम एग्रो पावर गोल्ड में पिछले बार की गन्ने की बताएं, मैंने किसान से कहा था 29 कम से कम 25 कल्ले से ज़्यादा निकलेंगे, उसके 29 कल्ले गन्ने के निकले, 29 कल्ले, हम खुद ताज्जुब हो गए। जीवन में मैंने पहली बार ऐसे गेहूं के खेत में पाए थे 105 दाने, मैंने कहा पहले बाली को देख लें क्योंकि कभी देखा नहीं, 105 दाने मैंने कभी देखा क्या, सुना ही नहीं था। वैसे ये गेहूँ गन्ने में जब गन्ना का उसका 29 कल्ले निकले, उसने मुझे गिनवाया एक एक कल्ला, उसके बाद मैंने कहा कि अब अगर खेतों में आएंगे तब इंची टेप लेके आएंगे। 14 फुट 14.5 फुट किसान ने मात्र 3 बार इसको डाला था गन्ने में, तो जिसमें कि 14 से 13 से 14 14.5 तक हुआ।
अगर इसको 5 बार डाल दिया जाए कम से कम 16 फुट तक का गन्ना तो हो ही जाएगा, और गन्ने की क्वालिटी भी होनी चाहिए। वैसे अच्छी गन्ने की क्वालिटी है तो बहुत अच्छा होगा। गन्ने में डलवाने के लिए विधि, एक भी 15 लीटर पानी में बोतल के 3 ढक्कन, बोतल के 3 ढक्कन 15 लीटर पानी में घोल बना के, और कीटनाशक जो लगे वो कीटनाशक 15 ml दे दिया जाता है 1 बीघे में। और जितना दूर तक 15 ml 15 लीटर पानी चल जाए उतना दूर, क्योंकि हर जिले की हर जगह की साइज अलग अलग होती है खेतों की। तब हम टंकी से बात करेंगे, अगर गन्ने की खेती है तो 3 ढक्कन 15 लीटर पानी में, क्योंकि गन्ने में डोज ज़्यादा लगता है, बड़ा होता है, इसलिए आप 3 ढक्कन दें। और वो तब तक छिड़काव करें, एक टंकी जितना दूर तक चला जाए उतना दूर तक छिड़काव बराबर कर दें। और इसकी जो दोबारा छिड़काव करेंगे 12 से 15 दिन का अंतर होना चाहिए। ये दवाई कीटनाशक तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब, एप्लाम एग्रो पावर गोल्ड 12 से 15 दिन के अंतर में। ये वाला पर्चा होगा, ये जो पर्चा है ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का पर्चा है, ये एक एक शब्द इसमें लिखा हुआ है। 30% बीज, 30% तक बीज की बचत 720 रुपये। कैसे हुआ 720 रुपये? ये जो मैंने अभी कहा कि शोध करके खेती करना, अगर शोध करके खेती करते हैं किसान तो उनको 720 रुपये 1 एकड़ में लाभ होगा। दूसरा है 30% तक कीटनाशक खरपतवार नाशक की बचत 1100 रुपये। तीसरा 30% तक पानी की बचत 4000 रुपये। एक तो ये जंग रोधक होता है, अगर 4 सिंचाई लगती है तो 3 सिंचाई में ये काम पूरा हो जाता है। 1 एकड़ में 4000 तक की बचत हो जाती है। 30% तक उपज की बचत, उपज की बढ़ोतरी 30% तक, इसमें 30% दिया हुआ है, यहाँ 30% नहीं है, यहाँ कम से कम 80 से 90% है। 80 से 90% प्रैक्टिकल की बात मैं बता दूं, 2011, 12, 13, 14 में बुकलेट आती थी एप्लॉम एग्रो पावर गोल्ड की, उसमें दिया था 125 kg की बढ़ोतरी, 1 रुपये लगाइए 63 रुपये पाइए। और वास्तव में मेरे सामने जो है वो निकल आता है, 125 मान लीजिए नहीं होता है तो 1 क्विंटल होगा। सरकारी रेट परसों की है आपका गेहूं का, जो है कि वो गेहूं 2300 रुपये में, सरकारी रेट गेहूं का 2300 रुपये है। मान लीजिए अगर 125 नहीं हुआ, 100 kg हुआ, 90 kg हुआ, 2200 रुपये आराम से किसान की तैयारी हो जाती है। आज के डेट में अगर किसान को देखा जाए वो मेहनत जरूर करते हैं मगर उनको कोई फायदा नहीं मिलता है, बल्कि वो अपने घर से देते हैं। एक बीघा, अगर एक बीघे में अगर किसान धान बोता है तो उससे पूछे कितना पाते हो, कहते 3 क्विंटल, कोई 4 क्विंटल। 3 क्विंटल अगर मान लीजिए लेता है तो सामा मंसूरी अगर बो देता है तो वो बाजार में बिकता है 1700 रुपये कुंटल धान। अब 1700 रुपये कुंटल धान, तो 3 क्विंटल धान वो हुआ भाई, उसके कटैया लगती है, बुवाई लगती है, सिंचाई लगती है, दवा लगती है, 3000 रुपये खर्चा करता है। और 1700 रुपये का अगर वो कुंटल बेच रहा है तो 3 क्विंटल हुआ तो कितना पाया, कुछ नहीं। वही चीज़ एप्लॉम का एग्रो पावर गोल्ड आ जाता तो कम से कम 1 क्विंटल की बढ़ोतरी हो जाती है। किसान जो है इतना मेहनत करने के बाद अगर एग्रो पावर गोल्ड नहीं डालता है तो 17 रुपये 50 पैसा उसको दिहाड़ी मिलती है, मात्र 17 रुपये 50 पैसे, जो कि किसान अपने यहाँ पे जो लेबर को तनख्वाह देता है 350 रुपये पर डे, मगर वो 4 महीने की खेती होती है, अगर उसको डिवाइड किया जाए 4 से तो उसमें उसको कुछ भी नहीं मिलता है। 17 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसकी मजदूरी आती है। तो यही बात किसान को हम गोंडा में जागरूक कर रहे हैं कि आप कम पैसे में अच्छा फायदा, ना आप यूरिया में पड़े, ना डाई में पड़े, ना जिंक में, ना पोटास में, कम पैसे में अच्छा फायदा। अभी
एक किसान बहुत परेशान था पयागपुर में, कह रहा है कि हम केले का खेत बो के बहुत परेशान है। मैंने केला खेत खत्म करो, गन्ना बो दो और देखो तुम्हारा बहुत कम पैसा लगेगा, ये एग्रो पावर गोल्ड ले लो। किशोर जी वहाँ थे, उनको बताया इनको 10 बोतल पहले दे दो, दे दिया, उन्होंने डाल दिया, इतने बड़े बड़े गन्ने, इतने बड़े बड़े गन्ने हो गए, अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू।